ईडी द्वारा कुछ संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम की गिरफ्तारी हुई तो भला सियासत कैसे नहीं होती। और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष यानी उनके विरोधी कांग्रेस और जेएमएम को दर्द क्यों होता है? जी बड़े नेता है, बाबूलाल जी ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ वे जिस कार्यकाल में ये सब चीज़ें होती है तो स्वाभाविक रूप से उस सरकार के ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। अब ये देखना सरकार का काम है कि भाई वैसे लोग जिन्होंने करोड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है तो कहाँ से बनाई है। अब ईडी छापामारी करती है तो आरोप लगाते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार परेशान करने के लिए। अब पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई, पूजा सिंघल के यहाँ बरामद हुआ तो इस सरकार के पेट में दर्द होने लगा। जेएमएम से लेके कांग्रेस से लेके राजद वाले सारे लोगों को पेट में दर्द होने लगा। क्यों दर्द होता है? आज देश के अंदर भी ईडी की कार्रवाई चलती है, सीबीआई की कार्रवाई चलती है, इनकम टैक्स की कार्रवाई चलती है तो पूरे देश के जितने विपक्षी दल के लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं।